राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे साथियों बैसाख माह की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, स्नान दान का समय क्या रहेगा और तर्पण किस समय किया जाएगा। अमावस्या तिथि का सनातन धर्म में बेहद खास महत्व है। इस तिथि पर पितरों की पूजा करने का विधान है, साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार बैसाख अमावस्या की डेट को लेकर अधिक कंफ्यूजन है। कुछ लोग बैसाख अमावस्या बता रहे हैं 8 मई को मनाई जाएगी, वहीं कुछ पंडित और ज्योतिषियों का कहना है कि ये अमावस्या 9 को मनाई जाएगी। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं बैसाख की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। तिथि जानने से पहले जानते हैं बैसाख अमावस्या का महत्व क्या है। बैसाख अमावस्या के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहें तो बैसाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। बैसाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ देना बेहद शुभ होता है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना गया है। बैसाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय से कुंडली के कान स्वर दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत पूजन के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की सुख और शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान के साथ पितरों का तर्पण दान पुण्य और व्रत किया जाता है। पीपल के व्रत में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीपल के व्रत की पूजा करने से भी पितरों को शांति प्रदान होती है। बैसाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करने से भी जीवन में सुख शांति आती है। तो ये था बैसाख अमावस्या के दिन का महत्व। और आप जानते हैं बैसाख अमावस्या की डेट और तिथि। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत पर्व या त्यौहार का निर्धारण उगते हुए सूर्य के समय की तिथि से होता है। हालांकि कई बार व्रत के पूजा मुहूर्त के आधार पर भी इसका निर्धारण हो जाता है। बैसाख अमावस्या की सही तारीख के लिए उदय तिथि की मान्यता है। ऐसे में इस साल बैसाख अमावस्या की तिथि 7 मई को 11:40 पर लग रही है और 8 मई को सुबह 8:51 तक मान्य है। ऐसे में सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 8 मई को प्राप्त हो रही है, इसीलिए बैसाख अमावस्या 8 मई को है। 7 मई को बैसाख की दर्श अमावस्या होगी। और अब जानते हैं बैसाख अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान किस समय करना चाहिए। 8 मई को बैसाख अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण स्नान के बाद कर सकते हैं। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं या सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होगा और 4:52 तक है और उस दिन सूर्योदय का समय 5:35 पर होगा। आप अपने पितरों के लिए तर्पण जल सफ़ेद फूल और काले तिल से कर सकते हैं। उसके बाद पितरों के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन के स्नान दान का शुभ समय क्या है। पंचांग के अनुसार बैसाख अमावस्या पर स्नान और दान 8 मई को किया जाएगा। अमावस्या के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसीलिए इस दिन स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ किया जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह के 4:10 से लेकर के सुबह के
4:52 तक वही दान करने का शुभ समय है। सुबह के 5:34 से लेकर के 7:15 तक दान करना शुभ और मंगलदायक रहेगा। और अब जानते हैं बैसाख अमावस्या के दिन किस विधि के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। और इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। तो इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करें। और आप जानते हैं बैसाख अमावस्या के शुभ काम। बैसाख अमावस्या पर ये शुभ काम जरूर करें। बैसाख अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बैसाख अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य जरूर करें। और इसके साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन किसी मंदिर में पूजन सामग्री जैसे कि धूप बत्ती घी तेल हार फूल भोग के लिए मिठाई कुमकुम गुलाल भगवान के लिए वस्त्र आदि का दान करें। और यदि संभव हो तो ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल और छाते का दान भी करें। इसके साथ ही इस दिन पितरों के लिए धूप दान करें। पितरों को धूप दान करने के लिए उपले जलाएं और जब उपलों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ और घी से धूप अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान घर के पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल चढ़ाना चाहिए। तो ये थे बैसाख अमावस्या के दिन के शुभ कार्य। इन कार्यों को इस दिन अवश्य करें। और ये है आपके लिए बैसाख अमावस्या के पूजा मंत्र जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। बैसाख अमावस्या के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। कुल 5 मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से एक तो आपकी पूजा पूर्ण होगी, साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये थी जानकारी बैसाख अमावस्या 2024 की। अब हमें आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बैसाख अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोर्सेस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसके चलते पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझते हुए अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।